नमस्कार। तो आज आप हम डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के ऊपर बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। डिटेल इंफ्रा की बात की जाए तो 5% की गिरावट देखने को मिले, सॉरी तेजी देखने को मिले, क्योंकि लास्ट पूरा वीक जो है स्टॉक में गिरावट नजर आई थी। जहाँ पे देख सकते जो ब्लू कलर की लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वहां पे रेजिस्टेंस लिया 200 डेज के मूविंग एवरेज को और मोमेंटम टोटली चेंज हो चुके है। नीचे की तरफ देखोगे 2 लेवल सपोर्टिव है, 2.10 जो है वो यहाँ पे सपोर्टिव लेवल है, 2 लेवल वहां से आज पुल बैक किया है स्टॉक ने। फिर से वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम तो पॉजिटिव है पर क्वांटिटी आ रही है वो काफी नेगेटिव, मीन्स काफी कम क्वांटिटी के साथ वॉल्यूम्स आ रहे, जिसके वजह से मोमेंटम जो है और भी वीक बनती हुई दिखाई दे रहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अगर यहाँ पे न्यूज की भी बात की जाए तो कोई इम्पैक्टफुल न्यूज नहीं है। कंपनी के क्वार्टरली नतीजे लास्ट वीक में चले गए, जहाँ पे स्टॉक प्योरली देख सकते काफी क्वार्टर से लॉस बना रहा है। अगर यहाँ पे आप देख सकते कि पॉजिटिव चीज आती है तो अगर सब कुछ यहाँ पे इम्प्रूव होने लगता है तो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट हो सकती है।